आपको हम अपनी कुछ पुरानी पेंटिंग दिखाते हैं, लगभग 4-5 साल पुरानी, क्योंकि हमने लगभग 4-5 साल से अपना काम बंद कर दिया ड्राइंग वाला। थोड़ा सा नज़रिए दिखाते हैं, पेंटिंग तो बहुत सारी है, हर चीज़ पे पेंटिंग बनाई है हमने, कैनवास पे बनाई है, चार्ट पेपर पे बनाई है, बोर्ड पर बनाई है। आपको थोड़ा सा नज़रिया दिखाते हैं, देखिए इस पेंटिंग को हमने राइट 30 मिनट में बनाया था, कहाँ पे? झांसी का म्यूजियम, यानी कि जो संग्रहालय है पंडित दीनदयाल सभागर, उसके अंदर इसको मैंने 30 मिनट के अंदर, कॉम्पिटिशन चल रहा था, कॉम्पिटिशन में मैंने इसको 30 मिनट के अंदर स्टेज पर बनाई थी, तो वीडियो लाइव चल रहा था वहाँ, तो मुझको प्रमाणित किया गया था सील से। तो आप देख सकते हैं 2014 लिखा है, आप देख सकते हैं नंबर भी लिखा है मेरा इस पर, देखो 2025 25 तारीख 8वां महीना 2014, लगभग आप समझ सकते हैं कितनी साल पुरानी पेंटिंग हमारी जब ऐसी है, 14 से 6 साल वो हो गई, लगभग 6-7 साल की समथिंग पुरानी है। तो तभी से मैंने काम बंद कर चुका है, देखो 2014 से है, और पेंटिंग आप देख सकते हैं ये वाली पेंटिंग है, फैब्रिक कलर से बनाई जाती है। फैब्रिक कलर एक ऐसा कलर होता है जो एक बार कहीं लग जाने से वो कभी छिपता नहीं है, यानी कि यदि आपने यदि लाइन ऐसी चला दी तो गलत हो जाएगी, वो आप उसको हटा नहीं सकते। हटाने का तरीका भी होता है, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे, इसमें आपको केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी पेंटिंग किस प्रकार की थी। आप दूसरी पेंटिंग देखेंगे हमारी, दूसरी पेंटिंग को देखो, 2016 लिखा है इसमें, 2016 कब की पेंटिंग, 2016 लगभग 5 साल हो चुके हैं, मतलब 5 साल से कोई कम की नहीं है। तो आप इस पेंटिंग को आप समझ सकते हैं किस प्रकार की पेंटिंग है, कौन सा नज़रिया, प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है, जो हमें निवास करते हैं गांव के लोग इस प्रकार की झोपड़ियों में रहते हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है उनके पास, बराबर ऑक्सीजन भरपूर बनी रहती है, पेड़ पौधे बने रहते हैं, नदी तालाब सारी चीज़ें की सुविधा रहती हैं। आप ये देख सकते हैं पेंटिंग, इस पेंटिंग को देखकर आप देख सकते हैं कि कहीं बाहर घूमने गए हैं, यानी बहुत जैसे समुद्र वगैरह होते हैं, नदी नाव नाले होते हैं, तो आप देखते हैं देखो कैसे, ये पेंटिंग हमारी 2016 है, 2016 यानी बहुत साल पुरानी पेंटिंग। आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं, इस पेंटिंग को देखकर आप नज़रिया बता सकते हैं, इस पेंटिंग को लगभग, इस पर नाम नहीं डला है, यानी कि डेट भी नहीं डली है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप इसको देखकर भी आप बता सकते हैं, लगभग 6-7 साल पुरानी हमारी पेंटिंग है, सारी पुरानी पेंटिंग है, तो अभी तो थोड़ा फर्क आ ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने ये बंद कर दिया है काम 7 साल से, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन लाइन में घुस चुका हूँ। आप देख सकते हैं पेंटिंग बिल्कुल नज़रिए से देखेंगे, आप एक नज़र में देखेंगे तो आपको बिल्कुल महीन महीन चीज़ आपको बारीकी से दिखाई देगी। ये देखिए आप इस पेंटिंग को देखकर, 2016 लिखा है, 2016, कोई पेंटिंग आपको 2018-20 की नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बनाई नहीं। ये देखिए पेंटिंग बहुत सारी हैं, पर आपको थोड़ा सा नज़रिया दिखाते हैं कि हम 2016 के पहले यानी किस प्रकार की पेंटिंग बनाया करते थे। जो मैंने आपको दिखाई जी हमारी 2021 यानी कि 7 साल बाद की पेंटिंग आज पहली बार आपको दिखाई है लाइव, देखते हैं आप वीडियो। आप इस पेंटिंग को देखिए, गांव में देखो लैट्रिन बाथरूम होती है ना, तो उसमें कोई मतलब गड़ा गुड़ा नहीं होते हैं, गंदगी जाने के लिए सीधे नदी नाले में कनेक्शन कर देते हैं, तो क्या है गांव में देखो कचरा अचरा है नालियों से सारा नदियों में बहता जा रहा है। आप देखते हैं कितनी प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन गाँव के लोग क्या है जो कचरा निकलता है नदी नाले में फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं हमारी पेंटिंग इतनी साल पुरानी है कि आप भी समझ सकते हैं। आप इसको देखिए, ग्रामीण दृश्य इसमें देखिए, गांव के लोग हैं, ये गांव के लोग जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, हरियाली लगी है, फूल पत्ती लगी है, और यहाँ पे देखो महिलाएं क्या गांव की जो महिलाएं होती हैं वो जो मतलब लकड़ी होती है, लकड़ी को जलाने के लिए सिर पे ले जा रही हैं, देखो खेतों में से ला के अपने घर ले जा रही हैं, पुल बना है, और ये देखो पेड़ साइड से निकल गया, मतलब जैसे लग रहा है जैसे टूट गया हो पेड़ लग रहा है ना। तो ये पेंटिंग आपको नज़रिए दिखा रहा हूँ किस प्रकार की पेंटिंग होती है। यदि जब से मैं लगातार कोई काम करता रहता है, 2016 सुरेंद्र, मेरा नाम सुरेंद्र कुशवाहा है, और 2016 की पेंटिंग है, यानी कि बहुत साल पुरानी है। आप इस नज़रिए को देख सकते हैं, मतलब 7 साल पुरानी पेंटिंग रखी हुई थोड़ा गंदी तो हो जाती है, ठीक है ना, तो उतनी सफाई यानी कि चमक नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप उस नज़रिया को देख सकते हैं कि 7 साल पहले जब ये बनी होगी तब कितना सुंदरता होगी इसमें, ठीक है ना। तो आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप फूल पत्तियों में सुंदरता देख सकते हैं, अभी केवल शाइनिंग नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है कि पेंटिंग किस प्रकार की बनाई गई है। और बाकी चीज़ें हम आगे देखते हैं, पेंटिंग बहुत सारी हैं, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग है, आपको दिखाएंगे कभी मौका मिलेगा तो आप देखने का प्रयास करें। हाँ एक बार जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, शेयर भी कर देना, ठीक है ना, क्योंकि कला हर किसी के पास नहीं होती, होती है पर अलाउ यानी कि उसका उपयोग नहीं कर पाता। जैसे कि मैं 7 साल पहले से इसको बंद कर चुका हूँ, मेरे घर वालों ने प्रेशर डाला कि मैं इस ड्राइंग को बंद कर दूँ, मतलब इससे कुछ नहीं हुआ तेरा, तो मुझे बहुत प्रेशर, मैंने कम से कम 6 साल इसमें मेहनत किया, बहुत रात दिन किया इसमें, मिट्टी की मूर्तियाँ भी बना लेता हूँ, मेहंदी लगा लेता हूँ, मतलब हर काम कर लेता हूँ ड्राइंग, लेकिन घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया इस लाइन में, मैं ज़बरदस्ती 5-6 साल इसमें काम करता रहा, उसके बाद मुझे इसको बंद ही करना पड़ा, तो बंद कर दिया, तो पूरी लाइन ये बंद कर दी मैंने, और आगे की लाइन जब शुरू से स्टार्ट करेंगे तो टाइम तो लग ही जाता है।